मेन इन ट्वेंटीज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लड़कों में 20 साल के उम्र में अराउंड 20 बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल होते, हाई लेवल्स होते रहते और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर है, बहुत ज़्यादा नेचुरल रिएक्शंस आते हैं और उस समय फिर ऐसा लगता है कि बायोलॉजिकल एक अर्ज हो जाती है कि मैं किसी के साथ में बातचीत करूं, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं नेचुरली और नेचर चुप नहीं बैठने देता क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल्स हाई रहती है। लड़का यूजली 13-14 साल की उम्र में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स उसके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और वो पुरुष बनना चालू हो जाता है। तो 13-14 साल के बाद में टेस्टोस्टेरोन लेवल धीरे धीरे बढ़ती है और हाई लेवल जो रहती है वो 20 साल की उम्र में रहती है, 20 अराउंड जो लेवल्स है टेस्टोस्टेरोन की वो है 270 से लेके 1070 नैनोग्राम पर डेसीलीटर डीएल। एवरेज जो है वो है 670 नैनोग्राम पर डेसीलीटर एवरेज। और ये जब है तो फिर ज़्यादा सेक्स होता है, ज़्यादा इच्छा है, इरेक्शंस ज़्यादा है, स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस होते रहते हैं, मॉर्निंग इरेक्शन होते हैं, नॉक्चर्नल मतलब नाइट में इरेक्शंस होते हैं, अपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, ज़्यादा बातचीत करने की इच्छा होती है। मगर अभी इस उम्र में ये भी होता है कि थोड़ी सी उसको एंग्जाइटी हो सकती है, ऐसी कुछ घटनाएं बचपन में हुई जिसकी वजह से उसकी लो सेक्स ड्राइव है, सेक्सुअल डिजायर कम है, बचपन में ऐसे कुछ आघात हो चुके हैं या ऐसी कुछ घटना हो चुकी है कि जिसकी वजह से उसको सेक्स ड्राइव ही कम है, मतलब शारीरिक तो है पूरा मानसिक कम है। ऐसा पाया गया है कि एंग्जाइटी जो है मतलब चिंता फिकर स्ट्रेस कैसा होगा क्या होगा सेक्स के बारे में चिंता, तो 8% लोगों को 8% लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये उम्र में होता है 8%। मगर यदि उनका सेक्स ड्राइव जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो कम है समझो, तो एंग्जाइटी हो सकती है या फिर उसको ये देखना पड़ेगा कि एंग्जाइटी नहीं है तो फिर कुछ मेडिकल कंडीशन है क्या, या मतलब कोई शारीरिक कंडीशन है क्या, कोई मानसिक कंडीशन ठीक नहीं है या कोई हार्ट का प्रॉब्लम है। तो अराउंड 8% लोगों को सेक्स ड्राइव बहुत कम होती है और सेक्स की इच्छा कम होती है और उनको उसके वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, मतलब नपुंसकत्व या लिंग में कठोरता नहीं आती है। अभी इसमें ये उम्र में ऐसा भी होता है मेन कारण कि भाई टेस्टोस्टेरोन लेवल ही कम है, तो फिर हमको यदि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के तो 8 कौन से ऐसे प्रूवन रूल्स है या 8 कौन से ऐसे 8 टिप्स है कि जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारी बढ़ सकती है। तो नंबर 1, एक्सरसाइज करो, अच्छी एक्सरसाइज करो, 40-50 मिनट तक ऐसी अच्छी एक्सरसाइज करना जिसमें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट बीट बढ़ रही है, थकान आ रही है, ऐसी एक्सरसाइज करना, वेट लिफ्टिंग करना, उससे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ती है। नंबर 2, अच्छा हेल्दी फूड खाना, हाई प्रोटीन डाइट। क्या होता है कि ये उम्र में मसल्स अच्छी बिल्ड होती है तो हाई प्रोटीन डाइट होना जरूरी है, हाई फैट डाइट भी ले सकते हैं ये उम्र में जिससे जिसकी वजह से वो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। तीसरा जो है वो है स्ट्रेस लेवल कम करना। यदि आपके दिमाग के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, प्रेशर है, एग्ज़ाम का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या बिजनेस का है या और भी कोई स्ट्रेस है, ब्रेकअप्स हुए हैं, तो फिर कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाती है, एड्रेनलिन लेवल बढ़ जाती है और कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन ये दो सैनिक है कि जिसके वजह से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। वो सैनिक हमने काम पे लाए, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल ये कम होना चाहिए, मगर ये बढ़ जाते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएंगे। तो इनको कम रखना है तो तनाव कम करना जरूरी है। चौथा जो है कि भाई सूर्य प्रकाश भी उसमें रहो, 10-15 मिनट आपने सूर्यप्रकाश में रहना है और विटामिन डी जो सप्लीमेंट्स है वो आप लेते हैं तो उससे भी टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छी बढ़ जाती है। पांचवा जो है कि टेक मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स, मिनरल सप्लीमेंट्स यदि आप लेते हैं तो वो खाना पीना यदि अच्छा रहा तो उसमें हो जाते हैं और यदि आपको ऐसा लगता है तो कुछ आप विटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं और मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स ले सकते हैं, विटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जिसकी वजह से आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ सकती है। छठवां जो है वो है कि आपने अच्छा पानी पीना है, मतलब वेल हाइड्रेटेड रखना है और बहुत ज़्यादा रेस्टफुल स्लीप लेना है, मतलब 7-8 घंटे यदि आपकी अच्छी नींद होती है तो आपके टेस्टोस्टेरोन बढ़ने में मदद होती है। तो रेस्टफुल बहुत अच्छी स्लीप और
अच्छा हाइड्रेशन, पानी पीना अच्छा ज़्यादा, वो ज़रूरी है। सातवां जो है वो है नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्टर्स। उसमें आता है मेनली एक अश्वगंधा, जिससे आपकी काफ़ी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ सकती है, और दूसरा है जिंजर मतलब अदरक, फिर लहसुन, प्याज, तो ये भी लेवल्स बढ़ाने में मदद करती है। आठवां जो है कि नेचुरल लाइफस्टाइल और हेल्दी लाइफस्टाइल होना जरूरी है। मतलब बहुत सारी दवाइयाँ आप ले रहे हैं खामोखा, बहुत ज़्यादा मेडिकेशन ले रहे हैं, ज़रूरत नहीं उसकी वो, फिर शराब, टोबैको, तंबाकू, सुपारी, पान, मतलब ये जो आप खाते हैं जंक फूड्स, तो इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाती है। तो ये खाने पीने में भी आप यदि हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर स्लीप, बहुत हाइड्रेशन, और स्पेशली शराब और कोई भी नशीली चीज़ें लेते हैं तो वो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम करती है। जिनका वजन ज़्यादा है, ओबेसिटी है, उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम पाई गई है। वैसे भी 30 साल के बाद में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होते जाती है, तो आपको 30 साल के बाद में तो और ज़्यादा केयर लेनी है कि आप टेस्टोस्टेरोन लेवल अपने मेंटेन रखें और एक अच्छा सेक्स लाइफ आप जी सकें। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।